टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। 24 सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी राजस्थान में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी परीक्षाओं को लेकर, कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, MGSU बीकानेर हो, MDSU हो, कोटा यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, शेखावाटी हो, जितने भी राजस्थान में विश्वविद्यालय हैं, जितने कॉलेज हैं, अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने ना कोई सरकार ने कोई भी ऐसी अपडेट नहीं डाली है कि हम परीक्षाएं करवाएंगे, परीक्षाएं नहीं करवाएंगे, परीक्षाओं को हम छात्रों को प्रमोट करेंगे, ऐसा कोई भी कंफर्म अपडेट अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं डाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात पर हम चर्चाएं करेंगे और जो भी इससे संबंधित में न्यूज़पेपर में भी जो चीज़ें छपी हैं वो भी आप तक मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटीज़ इस पर फैसला लें कि कोई भी देखे जो भी फैसला लेना है यूनिवर्सिटीज़ को वो हमें स्थिति क्लियर करें कि आपको एग्जाम करवाने हैं या नहीं करवाने, तो वो चीज़ें हमें बताएं। अगर एग्जाम करवाने हैं तो हम तैयारी अच्छे से कर पाएं, और नहीं करवाने तो हम और किसी की तैयारी करें, अगर कंपटीशन की तैयारी करें, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें, तो जो भी है, जो भी स्थिति है वो क्लियर करें। और इसीलिए हमने कल आपके लिए ट्वीट भी करवाए थे, जो आप प्रमोट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में भी बहुत सारे ट्वीट्स आपने किए, उसका मकसद इतना सा था कि यूनिवर्सिटीज़ तक ये चीज़ें पहुँचे, सरकार तक ये चीज़ें पहुँचे और जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए, जो भी फैसला हो छात्र हित में फैसला लिया जाए। अब देखिए, आपको दिखा देता हूं जो अपडेट आई है न्यूज़पेपर में भी, इससे संबंध में क्या छपा है वो भी आप देख लीजिए। UG PG की परीक्षाओं को लेकर अब तक नहीं हुआ कोई निर्णय। देखिए, बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब देखिए मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ की भी अपडेट डालता हूँ, तो वहाँ पर लगभग यूनिवर्सिटीज़ लगातार निकाल रही हैं, लगातार ऑफिशियल अपडेट दे रही हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को प्रमोट कर रहे हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम करवाएंगे। आज सुबह ही मैंने आपके लिए वीडियो डाला, ऑप्शनल एग्जाम होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके कंपटीशन एग्जाम में होते हैं, उस तरीके से फाइनल ईयर का एग्जाम करवाया जाएगा, बाकी को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन राजस्थान न तो किसी परीक्षाओं को लेकर कोई निर्णय ले रहा है, ना कोई और न प्रमोट को लेकर। देखिए, कोरोना को लेकर इस बार भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो न्यूज़पेपर में लिखा है सही बात है कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजों की परीक्षाएं स्थगित करने के बाद संस्थानों में छुट्टियां कर दी गई, लेकिन अभी तक परीक्षाओं पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और न ही सुझाव देने के लिए कोई उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। पिछले साल सरकार ने प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति व वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित की थी, जिसने पिछले साल बिना परीक्षा के लिए प्रमोट करने सहित कई सुझाव दिए थे, लेकिन इस साल अभी तक कोई भी कमेटी इस पर काम नहीं कर रही है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में 1.71 लाख छात्र हैं, इस साल 1776 कॉलेजों में 12.59 नामांकन हुए हैं। इसके सरकार के निर्णय के बाद ही RU ने पिछले साल सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया था जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में थे, लेकिन अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, कोई भी निर्णय, ना कोई ऑफिशियल अपडेट आ रही है। तो मैं यूनिवर्सिटीज़ से भी ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए, और आप सभी छात्रों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब चीज़ें आपके लिए हम लगातार वर्क कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस पर कोई भी निर्णय, अंतिम निर्णय आए, क्योंकि सभी हम परेशान हो चुके हैं, आप परेशान हैं, हम परेशान हैं, सभी परेशान हैं कि अंतिम निर्णय कब आएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लिया जाए, और आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।